पंजाब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने चंडीगढ़ के अकाली दल मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने इन दिनों चर्चा में रह रही बॉलीवुड फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर समीर नैयर पर आरोप लगाया कि समीर साल 2013 में आप पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने ट्विटर पर हुई केजरीवाल और समीर की बातचीत की एक कॉपी भी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म से कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सेंसर बोर्ड इस फिल्म को दिखाने की परमिशन देता है तो वह इस फिल्म को पंजाब में रिलीज होने से नहीं रोकेंगे। डॉक्टर चीमा ने इस फिल्म को लेकर दिए गए कैप्टन अमरिंदर के बयान पर कहा कि इस फिल्म में जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या आम जनता इस फिल्म को अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकती है? चंडीगढ़ से हलचल के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट। तो पहला सारे बहुत बहुत धन्यवाद है जी, तुसी सारे ने समा कढ़िया। पिछले कुछ दिनों तो कुछ कंट्रोवर्सी जिहड़ियां लगातार मीडिया दे विच चल रही हैं, एक फिल्म नू लैके भी और पंजाब दे विच नशियां दी समस्या नू लैके भी। सब तो पहला तो मैं एक गल नू बिल्कुल स्पष्ट करना चाहुंदा पार्टी वालों कि श्रोमणी अकाली दल वो ना कि फिल्म दे पार्टिकुलर दे खिलाफ है, ना मीडिया दे, ना क्रिएटिविटी दे। और श्रोमणी एक दल वो पार्टी है जिन्हें हमेशा ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वास्ते, प्रेस दी आज़ादी वास्ते और स्पेशली एमरजेंसी वर्गे हालात जदों सारे देश दे विच लोकतंत्री परंपरावां दा मीडिया दा गला घुटन की कोशिश की गई सी, उस वेले भी पार्टी सब तो पहला निकल सामने मीडिया के हक के आज़ादी वास्ते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वास्ते जे को आई सी, तो श्रोमणी अकाली दल उन्होंने